हर रोज निफ्टी इंट्राडे स्ट्रेटेजी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और उसके बाद हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू www.tradingpap.in। आज 12 अप्रैल है, गुरुवार है, तो निफ्टी एनालिसिस शुरू करने से पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट क्या हालत। कल जैसा कि हमने देखा, एक ट्वीट आया था अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से। सीरिया में जैसे कि एक केमिकल अटैक हुआ है और उसके मद्देनज़र अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वो सीरिया पर हमला कर सकती है, तो इस ट्वीट के कारण रशिया और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है। अभी ट्रेड वॉर तो थोड़ा सा नमता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि उसे ट्रेड वॉर नहीं कह सकते, ट्विटर वॉर ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्विटर के ऊपर से ही ज़्यादा वॉर जो है वो शुरू हो रहा है और ख़त्म भी ट्विटर पे ही हो रहा है। तो रशिया और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा तनाव बढ़ने के कारण कल डाउ जोन्स में, नासडैक में और अभी जो एशियाई मार्केट खुले हैं तो उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। सभी मेजर ग्लोबल मार्केट है वो रेड निशान में ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका आज हमारे निफ्टी के ऊपर क्या असर गिरेगा, हमें इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा निफ्टी का चार्ट। तो ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ। निफ्टी फिलहाल अभी ओपन हो चुका है, निफ्टी 10,400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हम लोग पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है। जैसे कि हम लोग 2-3 दिन से कह रहे हैं निफ्टी 20 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस हफ्ते के शुरुआत से ही निफ्टी 20 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन 10,420-30 का जो ये जो लेवल है वो पार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट पास्ट में करीब करीब नवंबर 2017 में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना था और उसके बाद यहाँ पे फेब्रुवरी मंथ में 1, 2, 3, 4 हफ्ते कंसोलिडेट हुआ था इस लेवल पे। तो ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, निफ्टी इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ग्लोबल संकेत भी थोड़े अच्छे नहीं आ रहे, तो इसके दबाव के चलते निफ्टी 10,400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में 20 EMA के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनानी है तो, लेकिन वीकली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। और ये रहा डेली चार्ट, ये डेली चार्ट है, इसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था, वो उसका 38.2% का लेवल भी फिलहाल 10,420 के आसपास आ रहा है। और कल हमने जैसे कि कहा था कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो 50 और 100 EMA का जो EMA है वो कंबाइन सपोर्ट का काम करेगा, और लगभग 10,350 के पास कल निफ्टी आके एक सपोर्ट टेस्ट किया और फिर से बाउंस बैक हुआ। लेकिन ऊपर में देखेंगे तो 10,420 और 30 का लेवल बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये निफ्टी को ऊपर की तरफ नहीं ले जाने दे रहा है। तो अगर मैं ये 50 और 100 EMA जो है उसे मैं SMA में अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 50 EMA था उसको मैंने 50 SMA में कन्वर्ट कर दिया, और 100 EMA जो कि ये ग्रे लाइन में है उसे भी मैंने SMA में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 और 100 का एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। कल देखेंगे आप तो ये 50 और 100 का कंबाइन रेजिस्टेंस बन रहा था, तो वहाँ पे ये SMA का रेजिस्टेंस बना और EMA का सपोर्ट बना। तो मूविंग एवरेजेस ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, तो हमें हर एक चार्ट में और हर एक मूविंग एवरेजेस को SMA और EMA कन्वर्ट करके देखना पड़ता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हर एक चार्ट पैटर्न में कहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का एवरेज इसका कल रेजिस्टेंस बन रहा था और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट बन रहा था, तो इसको मैं फिर से EMA में कन्वर्ट कर देता हूँ, 50 EMA और ये 100 EMA। तो फिलहाल हम लोग EMA ही यूज़ करते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि वो क्विक मूवमेंट दिखाता है।
तो ये था ईएमए का सपोर्ट लेवल। तो नीचे की तरफ 10,350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज पर डेली चार्ट, और उसके बाद अगर ये तोड़ता है 10,350 अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ साउथ की तरफ, तो 20 ईएमए 10,300 के आसपास उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का 38.2% भी वहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का भी सब रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो प्रेशर फिलहाल 10,420 के आसपास है। अगर 420 अगर 430 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो ऊपर में 10,550 या 560 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस। अब देखते हैं इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए क्या हो सकता है। कल भी हमने अगर देखेंगे आप कल, तो हमने कहा था कि फर्स्ट आर कैंडल का वेट कीजिए, उसका अगर लो ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 10,350 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि कल का लो लगभग 10,350 के आसपास बनाया था, ये देखिए कल का लो 10,355 था। तो हालांकि हमारा कल का एनालिसिस भी परफेक्ट साबित हुआ, और हमने कहा था कि 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूस 4 डेज कंटिन्यूस रैली देखने को मिली अपवर्ड, और उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो ये कल करेक्शन देखने को मिला, हालांकि यहां से 20 एमए का सपोर्ट लेकर एज पर आर्ली चार्ट 60 मिनट के चार्ट के हिसाब से 20 एमए का सपोर्ट लेकर निफ्टी ने फिर से एक शॉर्प रिकवरी दिखाई। तो आज क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए अभी कल दो दिन हो गए निफ्टी फिलहाल इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये वो रेंज है, अगर निफ्टी अगर आप फर्स्ट कैंडल आज वेट करते हैं और उसके बाद अगर ये कल का हाई और लो ब्रेक करता है, ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है इसका अगर हाई और लो ब्रेक करता है तो ही आपकी ट्रेडिंग पोजीशन आज इंट्राडे के लिए बनाए, वरना ना बनाए। क्योंकि आज फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट, अगर ऊपर की तरफ ये हाई अगर ब्रेक करता है 430 का अगर हाई ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 10,450 या 10,440। इंट्राडे में 10-15 पॉइंट भी मिल गए तो बहुत हो जाता है, और अगर नीचे की तरफ लो ब्रेक कर दिया यानी कि 10,360 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो फर्स्ट टारगेट होगा 10,330। यहाँ पर ही एग्जैक्ट 50 ए में आ रहा है, तो नीचे की तरफ अगर निफ्टी ट्रेड होता है ये अगर ब्रेक कर दिया 10,400 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 10,330 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो वेट कीजिए ये बियरिश कैंडल का हाई और लो ब्रेक होने दीजिए तो ही हम लोग ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।